आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, दिल्ली में मिले 4 नए मामले, राजधानी में वेरिएंट के 10 नए केस। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी एमपी सरकार, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। संसद में गूंजा लखीमपुर हिंसा मामला, 2 बजे तक लोकसभा स्थगित, मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। दोपहर 2 बजे सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश, 2 बजे सीएम योगी देंगे भाषण। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अलीगढ़ के सिविल लाइंस के पानदरी एक महीना पहले गायब हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नाहर सिंह की हत्या उसी रात कर दी गई थी जब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस ने खुलासा करते हुए उसका शव भी बरामद कर दिया। हत्या 1.5 लाख रुपए की खातिर की गई थी जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। वहीं 2 आरोपियों मोहर सिंह और पंकज को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। मुकदमे में हत्या की साजिश की धाराएं बढ़ाई गई हैं। 15 नवंबर को थाना सिविल लाइन्स में सूचना प्राप्त हुई थी कि पानदरीबा के रहने वाले श्री नाहर सिंह कहीं चले गए हैं। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर तत्काली गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और उनके उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबरों की CDR उनके लोकेशन के संबंध में हमारी टीम काम कर रही थी। इसी बीच हमें पता चला कि ये मोहर सिंह और अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ कहीं चले गए हैं। इसमें इस तरह के इनपुट आने के बाद धारा 364 IPC के अंतर्गत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जो एक मेन अभियुक्त था अजय पाल, उसे हमारी टीम द्वारा गोवा से अरेस्ट किया गया था और यहाँ लाकर उसको रिमांड में प्रस्तुत किया गया था। आज मोहर सिंह नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर नाहर सिंह की डेड बॉडी बरामद की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता नाहर सिंह की हत्या का ये मामला अलीगढ़ से सामने आया है। साजिश के तहत नाहर सिंह की हत्या कर दी गई है जिसके बाद अब पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या की आशंका जताई गई है जिसके बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के सिविल लाइन्स के पानदरीबा में 1 महीना पहले गायब हुए कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई है। जिस दिन वो गायब हुए थे उसी दिन उनकी मौत हुई थी और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और खुलासा करते हुए शव भी बरामद कर लिया गया है। हत्या 1.5 लाख रुपए की खातिर की गई थी। अलीगढ़ में भाजपा सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को राशन देने की बात करती है, वहीं मेडिकल रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगाकर नाराजगी जाहिर की है। भाजपा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए राशन न मिलने पर नाराजगी भी जताई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से नाराजगी जताते हुए लोग चक्का जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरू गुप्ता, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। महिलाएं 4 दिन से मेरे घर पे आ रही थी, रोजाना परेशान हो गए और डीलर उनको आश्वासन देकर भगा देते थे कि 12 को लॉन्च होगा, कि 13 को होगा, आज 14 तारीख हो गई, फिर भी वहां से आ रही हैं, चली जाती हैं। 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाओं को जाना पड़ता है। कोई बेटी भी है, कोई मतलब सब तरह की महिलाएं, कोई इतनी दूर तक नहीं जाती, चांद पर रख के इतना वजन नहीं लेके आ सकती हैं। पहले इनका राशन यहीं के यहीं गांव के गांव में मिलता था। जी, मेरा नाम शिव कुमार है। जी, जाम इस विषय में लगाया है, 5-6 दिन से राशन वितरण हो रहा है। गांव की बस्ती की जो भी महिला है, बेटियां हैं, वो राशन के लिए जा रही हैं। बराबर 3 दिन से बराबर वापसी आ रही है। मजदूर वर्ग का आदमी है बस्ती में और मजदूरी भी मारी जा रही है। उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है, कल बैठेगा, आज बैठेगा, कल बैठेगा, इस हिसाब से उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है। अब बस्ती वालों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि जो भी राशन वितरण हो हमारी बस्ती में हो, हम कहीं।
उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा मीडिया कर्मी से अभद्रता करने पर पवन कुमार श्रीमाली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड हदगाम फतपुर ने मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बताया। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से तत्काल प्रभाव से अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मैं पवन कुमार श्रीमाली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड, जैसा कि अभी मीडिया के माध्यम से मुझको जानकारी मिली है कि लखीमपुर खीरी कांड में राज्य गृह मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी ने एक मीडिया कर्मी को अभद्रता से बात करते हुए जो किया है ये बहुत ही गलत और शर्मनाक है। मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है, और मैं राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से ये मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का काम करें। और मेरा एक ही कहना है, पत्रकारों का अपमान। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में महिला जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंची महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा का महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति मैसी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए समाजवादी टोपी पहनाकर सम्मान किया। ये आज महिला कार्यकर्ता और हमारी प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी हमारे बीच में मौजूद है। जब से उन्होंने कमान संभाली है तब से हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है साइकिल की रफ्तार के साथ चलने लगी हैं, और आज आप ये देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं यहाँ निकली हैं कि इस हॉल में नहीं समा रही हैं, बाहर लॉन में नहीं समा रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का झंडा महिलाओं ने उठा लिया है, ये आधी आबादी तख्त को पलट कर रहेगी और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनेगा। आज ये 59वां जिला है, जो अभी कांग्रेस की बात आपने किया तो उनकी तो कुछ जमीन ही नहीं है। हम 100 को 100 दे दें, जब लोकसभा में थे विधानसभा में थे तो क्यों नहीं महिलाओं का आरक्षण पास हुआ, तब तो महिलाओं की कोई बात नहीं किया। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने 33% का आरक्षण उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में दे दिया, और आज भी ये डबल इंजन की सरकार बहुत जगह प्रदेशों में नहीं है, आप गुजरात देख लीजिए महिलाओं को अभी भी आरक्षण नहीं है, तो केवल उत्तर प्रदेश में जुमला चलेगा? नहीं नहीं, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ही है ना, कहाँ चलेगा? तो पूरे प्रदेश में और प्रदेशों में चुनाव नहीं होते, और भी प्रदेशों में होते हैं, लेकिन वहाँ 33% का आरक्षण आज भी नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो महिलाएं एकदम उठ गई हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, महिला उत्पीड़न से, और बेटियों का अपहरण अपराध से, मैंने बलात्कार से उठ गई हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की महंगाई है चरम पर है, डीजल पेट्रोल की बात तो हम करते ही करते हैं, जो सरसों का तेल है वो 230 रुपया लीटर है। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मसेनी चौराहे पर खुलेआम अवैध अस्पताल मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, जहां सोम हॉस्पिटल में महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल संचालक ने परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर 80,000 रुपए जमा कराए। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, परिजनों ने महिला की हालत गंभीर देखकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक और डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला मरीज को दूसरे अस्पताल भर्ती कराया। तब यहाँ बोला गया कि आराम के आपका नॉर्मल कर देंगे, ठीक है आप नॉर्मल करिए। फिर उन्होंने 1-2 घंटे बाद बोला कि आप ये नॉर्मल नहीं हो पाएगा, बच्चे धड़कन कम हो रही है, और आप एक काम करिए, रुपए जमा करिए, आपका ये उससे होगा क्या नाम ऑपरेशन से। ठीक है ऑपरेशन करिए आप, तो इन्होंने ऑपरेशन से बच्चा किया। अलीगढ़ थाना गोधा के गांव रेहमापुर में पहले पिता ने बेटी के प्रेमी को फोन करके घर बुलाया, घर बुलाने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवक के शव को घर के बाहर फेंक दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी दंपत्ति को हिरासत में ले लिया गया है। ग्राम रेहमापुर थाना गोधा में ऐदल सिंह के मकान के सामने एक व्यक्ति की गोली लगा शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। घर वालों का ये कहना है कि इसने आत्महत्या की है, और मृतक की पत्नी द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी है।
तो तुम्हारे पति ये खत्म है क्या? हाँ मेरे पति है। तुम्हारे पास फोन आया था ये? हाँ मेरे पास फोन आया था, दावत की क्या ख्याल थे घर पे कि मैं दावत का आया हूँ उनकी आंटी की, दावत का आया हूँ। फिर रास्ता में दावत की बताई थी कहाँ खाने जा रहे हैं? हाँ मेरे को बताई थी कि मैं काजाबाद जा रहा हूँ, फिर बाद में बताई थी मेरे को कि मेरी पकड़ कर ली सुमन रास्ता में थे। अच्छा फोन किया था तुम? हाँ मेरे सुमन ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं मर जाऊंगा। गांव का नाम बताओ, गांव का नाम, गांव का नाम बताओ, कौन सा गांव पकड़ लिया? बताई थी मैंने। पकड़ कहां की है उन्होंने बताई? कहां करी थी पकड़? पकड़ इधर ही जब मोड़ पे ही करी है, जैसे गांव से बताते लिख रहे का नौकर है मेरे, जैसे ही मैं गांव से लिख रहा हूं। तो प्यार में युवक की जान जाने का ये मामला सामने आया है और घर बुलाकर हत्या कर दी गई व्यक्ति की खबर अलीगढ़ थाना गोधा के गांव रहमापुर की है। जहां पिता ने बेटी के प्रेमी को फोन करके पहले घर बुलाया और घर बुलाने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इस खबर पर मैं से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, ये जो व्यक्ति जिसकी हत्या की गई, जिसे लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है, जिसके पिता ने हत्या की है, इसकी शादी हो रखी थी? मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी, मैम बताएं जी। नितेश, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति की मौत हुई, हत्या की गई है, क्या इसके पहले से ही शादी हो रखी थी, इसका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था? जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी शादी हो रखी थी और ये एक बच्चे का पिता भी है जी। तो इसके बाद अब किस तरह से कार्यवाही की जाएगी और उस लड़की का क्या कहना है जिसके पिता ने हत्या की है? मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी सनसनी केस खबर है और इस तरीके से इसको घर बुलाकर, एक दावत के तहत इसको घर बुलाकर युवक को मारा गया है और युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और लड़की के द्वारा बताया गया है, जो इसकी बीबी है उसके द्वारा बताया गया है कि मुझसे ये कह के गए थे कि मैं किसी के यहाँ दावत में जा रहा हूँ जी। नितेश, क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी मैं आपको बता दूं, आरोपी ने खुद फोन करके अपनी गिरफ्तारी दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पे भी बने रहिए, हमें जानकारी देते रहिए नितेश। अलीगढ़ में खेत पर काम कर रही महिला को दबंगों ने असलाह के बल पर ट्यूबवेल में बंद करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। यही वजह है कि पीड़िता ने कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई है। दबंगों ने पीड़िता और उसकी नंद के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों को चालान किया है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कहाँ से आए हो? प्रेमपुर से। क्या ये कौन है तुम्हारी? मेरी पत्नी है। क्या हुआ, क्या है इनके साथ? मैं ट्रैक्टर के पास था, ये थोड़ी सी मेरे दूर थी और इसे दोनों ओमवीर और विनोद खींच के ले गए जबरन और इसके साथ में बलात्कार किया दोनों ने बारी बारी से। और करण और डंडा लेके खड़ा वहाँ पर, लाइसेंस ही बंदूक थी उसमें। प्रताप रविंदर सिंह और करण ने दोनों, इसने जब शोर मचाया तो तब देवंद्री और मैं पहुंचा वहां पर, पवन पहुंचा, उसने फिर दोनों को मारा और वो करण बंदूक लेके खड़ा था वहां। कब की घटना है ये? 12 तारीख की शाम 6:15 बजे 6:30 बजे की बात है। हम खेत जुतवा रहे थे और दोनों ने विनोद ओमवीर मुझे खींच के ले गए थे खेत में, मेरे संग गलत काम किया है और लाठी डंडों से भी मारी हूँ। फिर मेरी बहन नंद बचाने गई तो उसने खूब मारा डंडों से और मेरे संग बुरा भला काम किया है, मुझको सुरत नहीं रही। अब थाने चौकी गए थे? गए थे, हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। देखिए पिसावा में ये दो पक्षों के मध्य पिछले कुछ समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इन्होंने SDM कोर्ट में भी अपना वार्ड डाला हुआ है और सिविल कोर्ट में भी मैटर चल रहा है और इसी को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई है। तो उसी के अनुसार मौके पर जो भी लोग मिले उनको पाबंद करा दिया गया है और साथ ही SDM महोदय को सेक्शन 145 CRPC का थाने की तरफ से रिपोर्ट भी भेजी गई है, जिससे फ्यूचर में ये लोग। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या है पूरा मामला, के जमीनी विवाद के चलते मारपीट और ये दुष्कर्म किया गया है? नितेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से,
जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जहां महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया है और जमीनी विवाद में मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारियों के निर्देशन पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में एरवाकटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल, उमरैन चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल ने मुखबिर की सूचना पर वांछित चल रहे अपराधी सुबोध कुमार उर्फ मोदा पुत्र लाखन सिंह को एरवाकटरा दोवा मोड़ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये आरोपी 2019 में डबल मर्डर करने के बाद से फरार चल रहा था। खबर औरैया से है, जहां एरवाकटरा में हेलीकॉप्टर हादसे में सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभय सिंगर, मंडल अध्यक्ष हरि नारायण तिवारी मौजूद रहे, जिसमें बाहर से आए कलाकारों के देशभक्ति गानों से पंडाल गूंज उठा और वहां मौजूद लोगों ने भारत माँ के जयकारे लगाए, जिसमें कलाकार गायिका रूपा कश्यप ने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाने से लोगों को भावुक कर दिया। बुलंदशहर में सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने नकली देसी घी और पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि सीओ वंदना के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा और वहां से लगभग 600 से 700 किलो के करीब नकली घी और पनीर बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मोहम्मदपुर गांव है थाना चतारी में। इसमें जो बताया जा रहा है कि दानवीर पुत्र रामस्वरूप और इनके बेटे हैं गौरव पुत्र दानवीर, ये दोनों मिलकर यहाँ दूध का कारोबार कर रहे थे। अभी मौके पर जब इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे ये कारोबार कर सके। पर अभी भारी मात्रा में पुलिस टीम और फूड इंस्पेक्टर जब मौके पर आए हैं तो भारी मात्रा में यहाँ पर दूध का पनीर जो है और घी और क्रीम वगैरह मिली है, जो आज की डेट में जिसमें फंगस लगा हुआ है, नकली लग रही है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये मिलावटी जो पाउडर होता है उसको रिफाइंड में मिलाकर बना रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो फूड इंस्पेक्टर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टिया ये नकली लग रहे हैं। मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर अपने बेटे के साथ फरुखाबाद आए थे, जिनका बेटा 3 दिन पहले लापता हो गया। फरुखाबाद पहुंचे अजय सिंह भास्कर अपनी गाड़ी का पैसा जमा करने आए थे। अचानक उनको पता चला कि गाड़ी को फाइनेंस ने पकड़ लिया है, तो आनन फानन में फाइनेंस को भरने के पत्रकार अजय सिंह और उनका बेटा चोला मंडलम ऑफिस पहुंचे। इसके बाद अजय सिंह भास्कर का कहना है कि वो नीचे गए लेकिन बेटा उनके बाद से वहीं नहीं मिला और 2-3 घंटे आसपास ढूंढने के बाद भी वो कोतवाली फरुखाबाद पहुंचे, जहां पर तत्काल प्रभाव से गुमशुदगी का मुकदमा लिखाया गया और मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ चोला मंडल ऑफिस पहुंचे, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से जानकारी ली गई। और इस मामले पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बहुत जल्द इस केस का खुलासा किया जाएगा। मेरा बेटा आज 14 तारीख से गायब है और हम दोनों लोग परेशान है, फरुखाबाद ढूंढ रहे हैं, गली गली घर घर, कहीं पता नहीं चल रहा। अगर किसी को पता चले तो प्लीज हमें बताए। आज 4 दिन हो गए, पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं। उसका नाम प्रदुम है और मैंने उसकी फोटो भी व्हाट्सएप पे डाल रखी है, फेसबुक पे है और न्यूज में निकलवाया। आज हमें रातों दिन ढूंढते हो गए, कहीं पता नहीं चल रहा, फोन भी बंद जा रहा उसका। हम कहाँ ढूंढे, आप लोग मेरी मदद करें, अगर कहीं मिले या दिखे तो 9877-6875-22 पे हमें बताएं। उसका नंबर है 8171-1868-58। अगर किसी भाई बहन या किसी माता पिता को मिले तो सूचित करें हमें। मैं अजय सिंह भास्कर, मेरा बेटा राजकुमार जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, 23वीं वर्ष का जन्मदिन 13 तारीख को उसने मनाया था। 14 तारीख को हम चोला मंडलम फाइनेंस ऑफिस फरुखाबाद नीलकंठ स्वीट हाउस के पास में था, वहाँ पे आया था।
मेरी बस जिसका फाइनेंस ड्यू था उसे जमा करने के लिए मैंने अपने बेटे के साथ नीलकंठ ऑफिस जो चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी में मैंने बात किया तो उन्होंने कहा आरटीजीएस हो जाएगा। आरटीजीएस के बारे में जानकारी करने के लिए मैंने बेटे को अपने छोड़ दी। खबर औरैया के सदर कोतवाली नारायणपुर चौकी की है, जहां शॉर्ट सर्किट से सैमसंग सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग से फर्नीचर कंप्यूटर समेत काफी सामान जलकर खाक हो गया। हमें मेरे मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया था रात में करीब 12:45 बजे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग ऐसे मान के चलिए आप 30-35 के आसपास। 30-35 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। क्या फायर ब्रिगेड टाइम पर आ पाया था? आपको रात में जानकारी हो पाई थी? फायर ब्रिगेड आ गया था टाइम पर। फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई थी करीब 12:30 बजे। तो उसके बाद ये आग बुझाई गई, लेकिन कुछ बचा नहीं पाए? औरैया के अरवा कटरा में लगे समरसेबल में अचानक करंट आने से शुगर सिंह की मौत हो गई। सौरभ दो भाइयों में सबसे छोटा था। घर के सभी सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे। सौरभ घर पर अकेला था। वहीं लोगों ने देखा तो उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो समरसेबल में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। औरैया से यह खबर सामने आई है। चंदौली के बबरी थाना के भुड़कुड़ा गांव के पास नहर पुलिया में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नहर में पलटने से चार युवकों को नहर में डूबने लगी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों को गाड़ी से निकालकर जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पीएम यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मिर्जापुर से चार युवक एक गाड़ी में आ रहे थे और थाना बबूरी के गांव घुड़कुड़ा के पास गाड़ी असंतुलित होकर के नीचे नहर में चली गई। पानी में चारों की डूबने से चारों युवकों की मृत्यु हो गई है। सर, ये मिर्जापुर से चले थे, अभी कहां जा रहे थे इसके बारे में जानकारी के परिजन आ जाएंगे तो ये पता चल। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत। अजीत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है? मैम, हम आपको बता दें कि ये लोग जा रहे थे मिर्जापुर से और चकिया में जा रहे थे। चकिया जाते समय भुड़कुड़ा गांव में इन जा रहे थे हिताई में जाते समय पेड़ के टक्कर से चपेट में आने से इन लोगों ने नहर में इनका गाड़ी गिर गया, जिसके कारण से इनकी मृत्यु। लगभग जब ग्रामीणों को पता चला तो लगभग 11:30 बजे स्थानीय पुलिस बबरी को फोन किए। जब पुलिस आई तब तक इन लोगों की मृत्यु हो गई थी और चारों लोगों को निकाल के जिला अस्पताल लाया गया। अब फिर डॉक्टर उनको दे और डॉक्टर जवाब दे दिए कि चारों लोग मृत घोषित हो चुके हैं। जी, तो अब इस पे आगे क्या कार्रवाई की जा रही है अजीत? मैम, वहाँ के जो लोग थे जहाँ से मतलब वहाँ के उनको सूचित कर दिया गया है और बाड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। जी, तो इन लोगों के डूबने की सूचना किसने दी पुलिस को अजीत? डूबने की सूचना ग्रामीणों ने दी, वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण ने वहाँ पुलिस को बबरी थाना के पुलिस को सूचना दी। जी, तो अजीत, ग्रामीणों ने क्या बताया, किस वजह से यह हादसा हुआ है? क्या ब्रेक फेल हो गया था या फिर गाड़ी अनियंत्रित हो गई? अनियंत्रित कारणों के कारण पेड़ में टकराने से इन लोगों ने नहर में गिरने का इनकी मृत्यु होगी पानी के पास हुआ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े थे। रायबरेली जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्विफ्ट वाहन और स्कूली वैन में भीषण टक्कर देखने को मिली। टक्कर होने के बाद दोनों ड्राइवर समेत कई स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव के पास की बताई जा रही है। रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां ड्राइवर समेत स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें वैन की भीषण टक्कर हो गई। रायबरेली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है।
एक कार और जो है एक स्कूली वैन में जो है टक्कर हुई है, जिसमें 10 लोग घायल थे और 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की वजह से सीएससी लालगंज से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली रिफर किया गया। हादसाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में ड्राइवर और बच्चों को भी चोट लगी है। भीषण टक्कर हो गई वैन में और सड़क हादसे में ड्राइवर समेत स्कूली बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली से खबर सामने आ रही है और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जो ये भीषण हादसा हुआ, इसमें किसकी गलती नजर आ रही है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये स्कूली वैन थी, ये सुबह जो है घर से बच्चों को लेकर जो है वो स्कूल जा रही थी, लेकिन सामने से आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर ने चक्कर मार दी। एक मोटरसाइकिल वाले बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है और स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि 8 से 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको आनन फानन में जो है लालगंज सीएससी भेजा गया। वहां से 6 बच्चों को रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। जी, तो बच्चों की हालत कैसी बनी हुई है ओम शंकर? बच्चों की हालत है, 3 बच्चों के हल्का सा हेयर क्रैक है, लेकिन यह है कि बच्चे सब खतरे से बाहर हैं। हालांकि दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर थे उनके सर में चोट लगने के कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी है, लेकिन बच्चे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। जी, तो अब इस मामले में क्या जांच की जाएगी ओम शंकर? अब यही है कि किसकी गलती थी, स्कूल वैन वालों की थी या जो सामने से गाड़ी आ रही थी स्विफ्ट डिजायर की। हालांकि जो बच्चों के परिजन थे उनका ये कहना था कि जो है एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में जो है वो स्विफ्ट डिजायर ने सामने से स्कूली वैन को टक्कर मारी है। जी, तो जो बच्चे घायल हुए उनके परिजनों का क्या कहना है ओम शंकर इस मामले पे? परिजन तो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं बच्चे खतरे से बाहर हैं, तब स्थिति के साथ उनका भी सामने आई थी जिला अस्पताल, तो कहीं ना कहीं जो है वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। प्राथमिकता उनकी थी कि बच्चों का इलाज हो और जल्दी स्वस्थ हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है रायबरेली से, खबर सामने आई है। हालांकि बच्चे खतरे से बाहर है, उनको मामूली चोट लगी है और ये बात भी सामने आई है कि जो बच्चे थे वो तो सुरक्षित थे, लेकिन जो ड्राइवर थे दोनों गाड़ियों के उनको भीषण चोट आई, जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। रायबरेली जिले में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्विफ्ट वाहन और स्कूली वैन दोनों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये टक्कर हुई है और टक्कर होने के बाद दोनों ड्राइवर समेत स्कूली बच्चे चोटिल हो गए और जो दोनों ड्राइवर हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वही स्कूली बच्चे को मामूली चोट लगी है, 3 स्कूली बच्चे जिनको मामूली चोट लगी है और उनके भी परिजन भी इस बात से संतुष्ट है कि उनके बच्चे सही सलामत है, लेकिन अभी भी ड्राइवरों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो हादसे में ड्राइवर समेत स्कूली बच्चे घायल हो गए, रायबरेली से खबर सामने आई है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है जहां पे लोग लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और आज यही लापरवाही का नतीजा देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक स्कूली वैन के साथ स्विफ्ट कार की भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से बच्चे गंभीर रूप से चोटिल तो नहीं हुए, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसमें दोनों ड्राइवरों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा ये आज देखने को मिला है कि दोनों गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई है, बच्चों की जान बाल बाल बची है, लेकिन अभी भी दोनों ड्राइवर की गंभीर हालत बनी हुई है। अब इस मामले में जांच होगी कि किस की गलती थी, कौन से ड्राइवर की गलती थी या फिर उस बाइक सवार की गलती थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण हादसा हुआ है, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और स्कूली वैन ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और स्विफ्ट कार ने
जिस तरह से और स्कूली वैन में ये हादसा हुआ है, टक्कर हुई है, ये बता रही है कि कितनी गंभीरता के साथ हुआ है और गाड़ियों पर नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि इसका अंदेशा पहले से नहीं था कि किस तरह से यह हादसा हो जाएगा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि दोनों ड्राइवरों ने संभालने की कोशिश की, जिसकी वजह से बच्चे सुरक्षित है, लेकिन दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आगरा में साल 2016 में दरोगा ने एक युवती को गुमराह करके दूसरी शादी रच ली, जिसकी हकीकत जब से दूसरी पत्नी को पता चली, जिसके बाद से वो दूसरी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। दूसरी पत्नी से भी दरोगा का एक बच्चा है, जिसके बाद अब आरोपी दरोगा से राशन और बच्चे के लिए दूध मांगने पर दरोगा SSP से दूध मांग लेने की बात कह रहा है और व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पीड़ित पत्नी ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पूरी चैट वायरल हो रही है। इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मिशन शक्ति को ये आगरा का स्क्वाड टीम का जो टीम है, जो स्क्वाड टीम प्रभारी है ये दरोगा, इसका ये वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं स्क्वाड टीम प्रभारी पर कि दरोगा पहले से शादीशुदा होते हुए भी उसने एक महिला को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसके बाद 2016 में उसके साथ शादी रचा ली। 2016 के बाद में जब उसकी शादी होने के बाद में उस दरोगा से एक बेटा भी है उस महिला के पास, तो इसी की गुहार लगाने के लिए SSP कार्यालय पहुंची है ये महिला। और ये देखा जा रहा है कि मिशन शक्ति, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि मिशन शक्ति को नारी मिशन शक्ति, तो ये साफ तौर से ये जब पुलिस विभाग के ही जब कर्मचारी इस तरह की मिशन शक्ति को पलीता लगाएंगे तो फिर आम जनमानस ममता जिस तरह से न्याय की गुहार लगा रही है महिला, तो अब इस पे क्या कुछ जांच हो रही है? बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि SSP के मामला जब संज्ञान में आया तो उसके बाद SSP ने ऐसी प्रोटोकॉल के लिए ये जांच दे दी गई, तो वही ऐसी प्रोटोकॉल के द्वारा ये जांच की जा रही है और जांच के बाद पूरी तरह से कार्रवाई करने का भी उस महिला के लिए आश्वासित किया गया है और महिला द्वारा बताया गया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है चैट, जिसमें पीड़ित पत्नी ने SSP से गुहार लगाई है न्याय की, और तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, पूरी चैट सामने आई है। मिशन शक्ति के आदेशों पर पलीता लगाया जा रहा है। एक आगरा से खबर सामने आई है, 2016 में दरोगा ने एक युवती को गुमराह करके दूसरी शादी करी, जिसकी हकीकत सामने आने के बाद से ही अब व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। देखिए, एक महिला मेरे पास कल आई थी और उसने किसी पर्सन के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी जांच मैंने एक अपने सीनियर अफसर को दी है और जो जांच में जो आउटकम होगा उसके आधार पर कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। चंचल, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे और अपने लिए अधिकार चाहती हूँ और मुझे अधिकार नहीं मिला तो मैं योगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।